ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की उन हीरोइन में से एक है जिन्होंने नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पुख्ता पहचान बनाई है। आज कांस तक उनके जलवे और खूबसूरती के चर्चे होते हैं। ऐश्वर्या सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बेशक आजकल ऐश्वर्या कम ही फिल्में करती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास फिल्मों की ऑफर की बाढ़ हुआ करती थी। लेकिन ऐसी कई फिल्में थी जिन्हें ऐश्वर्या रिजेक्ट करती थी, और ऐसी कई रिजेक्ट की हुई फिल्में जबरदस्त हिट रहीं और वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानी गई। ऐश्वर्या को राजा हिंदुस्तानी का ऑफर आया था, लेकिन उस समय वो एक साथ चार फिल्में कर रही थी, इसलिए ये फिल्म कर दी उन्होंने रिजेक्ट और फिल्म बनी सुपरहिट। ऐसी फिल्म जिसने काजोल और रानी मुखर्जी की करियर की काया पलट कर दी। कुछ कुछ होता है कि टीना के रोल के लिए ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था, लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण ऐश्वर्या ये फिल्म नहीं कर पाई। इसके बाद ऐश्वर्या को शाहरुख खान के साथ फिल्म चलते चलते में काम करने का भी मौका मिला था। ऐश ने ये फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन सलमान खान के सेट पर आकर हंगामा मचाने के बाद शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को बाहर का रास्ता दिखाकर रानी मुखर्जी को साइन कर लिया। फिल्म वीर जारा का प्रीति जिंटा का किरदार भी ऐश्वर्या को ऑफर किया गया था, लेकिन अननोन रीजंस की वजह से ये फिल्म भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।